कर रहे सूं बाग लगा सूं नित्य उठ दर्शन पासूं जा कर रहे सूं बाग लगा सूं नित्य उठ दर्शन पासूं वृंदावन की कुंज गलिन में वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गासूं जी मैं तेरी लीला गासूं मन चाहत राखो जी चाकर राखो चाकर राखो चाकर
बाग लगाऊ ए हरे हरे नित बाग लगाऊ बिच बिच राखों क्यारी बिच बिच राखों क्यारी बिच बिच राखों क्यारी बिच बिच राखों क्यारी सांवरिया के दर्शन पाओ सांवरिया के दर्शन पाओ पैर कुसुम्बी सारी पैर कुसुम्बी सारी मन चाक राखो जी मन चाक राखो जी चाकर राखो जी मन चाक जोग करन को तप करने सन्यासी जोगी आया जोग करन को तप करने सन्यासी हरि भजन को साधु आया हरि भजन को साधु आया वृंदावन के वासी के प्रभु गिरिधर नागर सदा रहो जी धीरा मीरा के प्रभु गिरिधर नागर सदा बसो जी धीरा आधी रात प्रभु दर्शन दीने आधी रात प्रभु दर्शन दीने प्रेम नदी के धीरा रहूं मैं तेरे नौकर लगाऊं तेरा बाग देखूं तेरा दर्शन और तेरी कुंज गलीन में नाचती फिरूं कैसी अद्भुत नौकरी है ये
कैसी अद्भुत चाकरी में दर्शन पाऊं, अच्छा तनख्वाह क्या मिलेगी, सुमिरन पावो करची, सुमिरन चलता रहे यही यही तनख्वाह है। इधर करो दर्शन, मन में करो भजन, दर्शन भजन दर्शन भजन दर्शन भजन, तो भाव भगति जागीरी पाऊं। What do I get? I get the whole empire of love. And then I become a true princess. फिर मैं सच्ची राजकुमारी बन जाऊं। क्यों? भावना की जागीर मिल जाएगी। ए मेरे मोर मुकुट वाले, ए गले में बैजंती माला वाले, ए बेणू बजाने वाले, ए देनू चराने वाले, ए मुरली वाले, चाकर राखो। क्या एप्लीकेशन दी जा रही, देखो मस्का भी पूरा मारती है। ए प्यारे नौकर रख अपना, तेरे लिए मैं सारी रात भजन करूंगी। मीरा कहते जो जोग मार्ग से चलते हैं वो योग करते, जो सन्यासी होते वो तपस्या करते, मैं तो सिर्फ तेरा भजन करने आई हूं बस। तो तेरे गीत गाऊंगी, तेरा भजन करूंगी, बस मेरा यही काम है, और मुझको किसी चीज से वास्ता नहीं। जिन्हें योग करना वो योग करो, जिन्हें तप करना है वो तप करो, मीरा बस एक काम करेगी, बस तेरे गीत गाएगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सदा बसो जी धीरा, धीरा धीर कौन चित्त, लेट माय सबकॉन्शियस बी दैट स्टिल एंड प्योर, लेट इट बिकम धीर। चित्त हमारा धीर नहीं, धीर मतलब ट्रैंक्विल, स्टिल, साइलेंट। आप लोग चिंता करते हो कि मन आपका बहुत भागता है, मीरा दूसरी बात कह रही है। मीरा कह रही चित्त धीर होना चाहिए। कृष्ण गीता में कहते चित्तात्मा, तेरा चित्त शांत होना चाहिए। यहां मन ही शांत नहीं होता है, चित्त का तो पता ही नहीं, चित्त का तो पता ही नहीं। हाँ, चित्त कैसे काम करता है ये पता ही नहीं, मन भागता रहता है, मन दुनिया में लगा हुआ है, चित्त अधीर है, धीर नहीं है अभी। धीर मतलब डोंट वॉन्ट एनीथिंग, डोंट डिजायर एनीथिंग, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, डोंट वॉन्ट एनीथिंग, दिस इज कॉल्ड बींग धीर। कैन यू से यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग, कैन यू से यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, कैन यू से यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग, कैन यू से यू डोंट नीड एनीथिंग, लॉन्ग लिस्ट। धीर हो जा, क्या चाहिए बोल, बोले कुछ नहीं। बोल भक्त क्या मांगता है, प्रभु कुछ नहीं। ये जो लाइनें लगा करके खड़े होते हैं ना मंदिरों के बाहर, ये भिखारी हैं, भक्त नहीं। भगवान ये दे दे, भगवान ये दे दे, भगवान ये दे दे, भगवान भिखारी हैं, भक्त कहाँ से। आप तो ऐसे संसार जर जोरू जमीन के आप ऐसे गुलाम हो, कोई तुम्हें कहे ना बाबा जी जूता मारता है मुंह पे काम हो जाते, तो जूते खाने वालों की लाइन लग जाए। बाबा मैं मालूम किसको कहती हूं, देखिए आज मजाक बन के रह गया, आज मजाक बन के रह गई हर चीज। जो अध्यात्म नहीं समझते, जो धर्म नहीं समझते है, वो आज टिप्पणियां करते फिरते। जनता हो गई मूढ़, और तुम मूढ़ों से लाभ उठाने के लिए कुछ चालाक चुस्त लोग आ जाते हैं। बाबा उसको नहीं कहता जो तुम्हारी दुनिया की कामनाओं को पूरा करे, बाबा उसको कहते हैं जो तुम्हें कामनाओं से शून्य कर दे, कोई कामना ही नहीं है। पर तुमको ऐसे थोड़े पसंद आते,
तुम्हें रुपया चाहिए, नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बीमारी ठीक हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, प्रमोशन हो जाए, हाँ, केस जीत जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए। अब कोई कह दे यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाते, कोई बोले यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाते, सुबह दरगाह चले जाते, शाम को मंदिर चले जाते, रात को गुरुद्वारे चलते, बोले क्या कर रहे हो, बोले कोई तो काम कर ही देगा। इसको श्रद्धा नहीं कहते, इसे विश्वास भी नहीं कहते, इसे धर्म भी नहीं कहते। कामनाओं की तृप्ति तो पशु भी कर लेता है, भूख लगती खा लेता है, प्यास लगती पी लेता है, भोग की इच्छा होती तो कुत्ता कुतिया भी भिड़ जाते हैं, भोग की इच्छा तो वो भी पूरी कर लेते हैं। धर्म क्या सिखाता है? कामनाओं की निवृत्ति, कामनाओं की तृप्ति नहीं, कामनाओं की निवृत्ति, इरेडिकेशन ऑफ ऑल डिजायर्स, दिस इज व्हाट धर्म टीचेस यू। ये धर्म एक पशु नहीं सीख सकेगा, सिर्फ एक मनुष्य सीख सकता है। और कौन सा मनुष्य सीखेगा? जिसको कोई गुरु मिले, गुरु घंटाल नहीं, गुरु मिले, सदगुरु मिले, पूर्ण गुरु मिले, नहीं तो इसी चक्कर में पड़े रहते। हर तीसरे हफ्ते एक नई कहानी चमत्कार की सुनने को मिलती है, लोग पागल हैं, लोग पागल हैं, और उनको पागल बनाने वाले 10 दरवाजे खुल जाएंगे। देखिए तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, तुम्हें मैं बता देती हूँ फार्मूला बाबा होने का। झूठा बाबा बनना कौन सा मुश्किल काम? 4 चेले रखो जो जय हो करते रहे, और चमत्कारों की कोई 10-20 कहानियां बना के बैठे रहे। उसको कैंसर था ठीक हो गया, उसका ट्यूमर था ठीक हो गया, उसको छींके आती थी वो ठीक हो गई, कुछ भी ठीक हो सकता, उसकी दुकान नहीं चलती थी चल गई, उसकी शादी नहीं होती थी हो गई, उसके बच्चा नहीं होता था हो गया, सब बाबा जी की कृपा। थोड़े दिन लगेंगे, धीरज रखना। कोई 10 बेवकूफ आ जाएंगे, 10-20 को और ले आएंगे, 30 हो गए, 30 के साथ फैमिली भी तो होगी ना, 2 बच्चे, 1 मम्मी, 1 डैडी, वो भी जोड़ लो, 30 प्लस मल्टीप्लाई इनटू 4 कितने हो गए, बड़ा परिवार है तो देखो कैसे गणित लगा रहे, सच में हे भगवान। अब मान लो 500 लोग आ रहे, 500 लोगों ना किसी को नहीं कहनी ये काम हो जाए, हो जाएगा ना तो बोलनी नहीं, हो जाएगा, बस हो जाएगा, हो ऐसा बोलते रहो, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। 500 में 100 का तो हो ही जाएगा, क्योंकि होना था, नहीं नहीं पॉसिबिलिटी है। जे 100 का हो गया वो करेंगे जय हो बाबे आंधी जय हो। अब ये जो 100 है 1000 लाएंगे बंदे, उन 1000 में और 400 का हो गया तो अच्छा, जिनका नहीं हुआ ना वो कहेंगे बाबा जी की कृपा नहीं हुई, बेटा चढ़ावा कम चढ़ाया था और चढ़ाओ, यहाँ बोल देंगे आपके थोड़े पाप ज्यादा थे है ना, इस करके ऐसा, चलो अभी और प्रार्थना करो हो जाएंगे। उम्मीद पे दुनिया टिकी है। मैं इसको धर्म नहीं मानती, मैं फिर कह दूं ये धर्म नहीं है। मीरा का आप रोज एक सुनोगे, अभी तक कितने सुन चुके हो, आई कहीं दुनिया की बात? कह रही कहीं मीरा कि मेरे को महारानी पूरे हिंदुस्तान की बना दो? नहीं कह रही। संसार तो ये संसार चहर की बाजी, सांझ पड़े उठ जासी, इसको क्या मांगना, क्या मांगो किच थिर ना रहाई, देखत नैन चल्यो जग जाई, मैं संसार को क्या मांगू ना? क्या मांगती है? प्रेम। और फिर
जीवन के एक ऐसे मोड़ पर आएगी मीरा जहां वो जाके फिर ज्ञान भी मांगेगी, और वो तब होगा जब इनके जीवन में गुरु जी आ जाएंगे। अभी तो छोटी है ना, खेलती फिर रही है, अटखेलियां कर रही है, प्रेम में कलोल कर रही है, भाव के जगत में खो रही है, भावनाओं में कहाँ कहाँ उड़ी उड़ी फिर रही। यू डोंट नो दिस बिकॉज यू हैवंट लव्ड प्योरली द वे द लव शुड बी डन। ये सच में तुम जानते ही नहीं। प्रेम की तो खुशबू बड़ी अजब है प्यारे, बड़ी अजब खुशबू है। जिसे लग जाए वही जानता है, जिसे मिले वही जानता है। बड़ी अजब मस्ती है, इतनी अजब मस्ती है कि क्या कहूं कि खुमारी है ये। एक होता है नशा, एक होता है नशा जो उतरा भी नहीं और चढ़ा भी नहीं, पर कुछ है जो चले जा रहा है। भक्त की भावदशा मालूम क्या है? भक्त की भावदशा ये कि उसके जीवन में कुछ भी हो जाए वो कहते मेरे ठाकुर की जो इच्छा, बुरा हुआ ठाकुर जी की इच्छा, अच्छा हुआ ठाकुर जी की इच्छा, खुशी हुई ठाकुर जी की इच्छा, मर गया कोई ठाकुर जी की इच्छा, कोई गाली निकाल रहा है ठाकुर जी की इच्छा, बोले जरूर हमारे मन में अभिमान आया होगा इसलिए भगवान ऐसे व्यक्ति को भेज रहे जो कड़ा कड़ा रूखा रूखा हमसे बोले और हमारा अहंकार दूर करे। भक्त की दशा मालूम कैसे होती? ऑलवेज हम्बल, ऑलवेज इन सर्विट्यूड, ऑलवेज इन ग्रेट कंपैशन, ऑलवेज इन ग्रेट फ्रेंडशिप। कोई कह रहे थे, बहुत साल पुरानी बात है, वो अयोध्या गए राम जी का स्थान देखने, सरयू नदी देखने। बोले बड़ी गरीबी थी वहाँ पर, लेकिन एक बड़ी प्यारी बात थी कि एक छोटी सी चाय की दुकान पर हम बैठे तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ तो ज़्यादा लोग आते भी नहीं हैं तो आपका गुजारा कैसे चलता है? तो फटी सी धोती, टूटे से छप्पर और पुराने स्टोव पर चाय बनाने वाले इस व्यक्ति ने कहा, जी राम जी की शरण में हैं, राम जी की नगरी में हैं, राम जी भूखा नहीं मारते। फटी धोती, टूटा छप्पर, टूटी चप्पल, पर विश्वास और प्यार और सुकून कितना दिल में, है ना? और तुम देखो तुम्हारे पास कितना कुछ है, कितना कुछ किसी को ना बताओ, तुम्हें तो पता ना कितने माल की प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, व्हाट इज योर वर्थ यू नो इट, फिर भी मन में चैन कहाँ है? फिर भी लालच से भागे भागे फिरते हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, बिजनेस 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 डूइंग इज नॉट बैड, अर्निंग मनी इज नॉट बैड, बट रनिंग अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन इज नॉट गुड। मुल्ला नसरुद्दीन के घर में चूहा आ गया, सब कागज वागज कुतर दिए, रजाइयां कपड़े सब, कहां जहां घुसे वहां तो सब जगह एक तो प्रसाद फेंकता जाए अपना, काले काले मैंगन, और सब कुतर दिया उसने, सब बर्बाद कर दिया। मुल्ला को बड़ा गुस्सा आया, बोले आज तू बस कैसे भी करना पकड़ना है इसको। तो वो चूहेदानी लाया, अब चूहादानी रखे और उसमें ऐसे एक टुकड़ा लटकाया उसकी पत्नी गुलजान ने कि इसको खाने आएगा फंस जाएगा। हुआ ये चूहा भी उस्तादों का उस्ताद, पिंजरे में जाए टुकड़ा खाए बाहर आ जाए, फंसे ही नहीं। वो कहते अरे गुलजान छोड़, मैं कुछ करता हूँ इंतजाम। क्या करोगे? तो वो दो बर्फी के टुकड़े लाए, एक यहाँ रखा एक यहाँ रखा। लिखे कर रहे हो? कह रहे तू समझ चूहा आएगा हैं, या बीच में आएगा, लेफ्ट देखेगा बर्फी, राइट देखेगा बर्फी, सोचेगा ये खाऊं कि ये खाऊं, ये खाऊं कि ये खाऊं।
ये खाऊं और मैं पकड़ लूं। आजकल के चूहे चूहेदानी में नहीं आते पागल, तो ये रखेंगे ऐसे। एक ने कहा हद हो गई, ना चूहा ऐसा क्यों करेगा। बोले जब आदमी ऐसा कर रहा है तो चूहा क्यों नहीं करेगा। ये मिल जाए अभी, मिल जाए ये, मिल जाए अभी, मिल जाए ये, मिल जाए अभी। लालच से भरे भरे कितना कुछ होने के बाद भी तड़पते तरसते रहते हो। भक्त कौन है जो तड़पता नहीं, जो तरसता नहीं, जो रोता नहीं संसार के लिए कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो। कोई कोई जन्म हो गया, बोले आओ प्रभु जी ने भेजे खिलौने खेलो, और मर गया प्रभु जी ने ले लिया। ये बात समझो, या तो हो जाओ भक्त तो सब भगवान की मर्जी पर छोड़ दो, या हो जाओ ज्ञानी वेदांती और कहो सब मिथ्या है। दोनों तरीकों से हम छूट जाते चिंता से।